News 18, India. सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली आवास से हेमंत सोरेन के घर से मिली एक कार से 36 लाख रुपए के कैश बरामद हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राज्यपाल ने डीजी को भी अब तलब कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, दिल्ली आवास से हेमंत सोरेन के घर से एक कार से 36 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और अब राज्यपाल ने डीजी को भी तलब कर लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। हेमंत सोरेन, जिनकी मुश्किलें यहां से लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कल भी दिन भर डीडी के अधिकारी छानबीन करते रहे और अब ये बहुत बड़ी खबर, 36 लाख कैश बरामद हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर लिया है। जब्त करने की वजह क्या है ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है और इस वक्त में मैं वो बीएमडब्ल्यू कार में दिखाना चाहूंगा जो आप ठीक सामने देख सकते हैं, ब्लू रंग की। ये ब्लू रंग की कार है एचआर नंबर की और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार है जिस कार में तकरीबन 36 लाख रुपया नकद रखे गए थे। हालांकि इस पैसे को रखने की वजह क्या रही है, क्यों रखा गया था और इस पैसे का क्या करना था, हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पहले से तफ्तीश चल रही थी, लेकिन जिस तरह से इस कार को दिल्ली के वाले आवास से बरामद किया गया और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वो जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं, तो अब जांच एजेंसी इस मामले में आगे की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर इस 36 लाख रुपया को लाया कहां से गया था, इस पैसे को करना क्या था। तो इन तमाम मामलों पर अब विस्तार से तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और एक तरफ देखा जाए कि हेमंत सोरेन को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है जांच एजेंसी के द्वारा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो साफ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर है। ईडी के समन्स के बाद भी अभी तक पेश वो नहीं हुए। अब खबर ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन रांची में ही है। उधर हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से सोरेन की कार के साथ 36 लाख कैश बरामद किए गए हैं, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड के राज्यपाल ने झारखंड के डीजी को तलब कर लिया है। ये बड़ी खबर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, कहीं जो कानून व्यवस्था है वो हाथ से बेहात ना हो जाए, इसीलिए अब राज्यपाल ने झारखंड के डीजी को तलब कर दिया। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, 36 लाख जो नोट बरामद किया गया है, जो धनराशि बरामद हुई है, ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक कार कल बीएमडब्ल्यू, आपको याद होगा कैसे, जो दिल्ली वाले आवास से थी वहां पर जब्त किया गया था। सूत्र यही बता रहे थे कि ये जो कार खरीदी गई थी वो बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी। अब 36 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए गए हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ईडी के रडार पर हेमंत सोरेन, एक बार समन्स मिलता है, दो बार मिलता है, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन इस जांच से बचते रहे हैं। अब तो वो कहां है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कहा यह जा रहा है रांची में वो हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर वो है, ये अभी तक पता नहीं चल सका है।